श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 26 तारीख को पंडित प्रदीप मिश्रा ऑनलाइन अभिषेक करवाने वाले हैं, शिवरात्रि के ऊपर अभिषेक करवाने वाले हैं। और उस अभिषेक में आप, जैसे कि उन्होंने बताया है कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, यानी मिट्टी के शिवलिंग आपको बनाना है। तो मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं, आज मैं अपने वीडियो में ये बनाना बताऊँगा, मिट्टी के थ्रू बनाना बताऊँगा कि किस प्रकार से आप मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, बिना समय खराब किए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिट्टी के शिवलिंग बनाना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये मिट्टी पूरी बना ली है, इस मिट्टी से ही मैं आज बनाने वाला हूँ शिवलिंग। तो जैसे मैंने ये मिट्टी ली है, अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले इस प्रकार से रोल करते हुए ये ध्यान रखें, जब आप इस मिट्टी को गूंदेंगे उस समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार के कोई कण जो हो जाते हैं, यानी कि पत्थर के कुछ छोटे छोटे कण हैं, वो उसको निकाल दीजिएगा। साथ में जब आप मिट्टी को घोलेंगे उस समय पानी जो यूज़ कर रहे हो वो अच्छा पानी यूज़ करना, मतलब कोई भी जल ले लेना या फिर शुद्ध पानी का यूज़ करना। अगर आपके पास शुद्ध पानी नहीं हो, थोड़ा नॉर्मल पानी है, तो आप क्या करेंगे कि नर्मदा जल या जो हमारे गंगा जल होता है, गंगा जल थोड़ा सा उसमें डाल के और फिर आप इसको गूंदने का काम करेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अगर आप इसको चिकना करना चाहते हैं तो पानी आप पास में रखिए, और इससे आप इसको चिकना भी कर सकते हैं जितना चाहें उतना, ताकि वो अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप एक कोई पटा ले लेंगे, जो जैसे मैंने अभी एक टाइल्स लिए, आप चाहो तो इसको पटा भी ले सकते हो और बीच में इसको इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है। ये हमने बना लिया, ओके, इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे जलेरी बनानी है। जलेरी के लिए क्या करेंगे, आप फिर से मिट्टी लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे इस तरह से आप, जैसे ये मैंने रोल बनाया है, इस तरह से रोल बना सकते हैं। और रोल बना के ये जो है इस टाइप से देखिए, इस तरह से मैंने जलेरी का भी निर्माण कर लिया है। अब मैं जलेरी के बीच में जो जगह है उसको फिल कर देता हूँ ताकि वो पूरा एक ही दिखे। ये जो जगह है, यहाँ देखिए, ये जो जगह है इसको, जैसे आप जानते हैं, ये अशोक सुंदरी की जगह है। ये यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बनाना कि वो उठा हुआ लगे, ठीक है। ये हो गई अशोक सुंदरी की जगह। ये दो जगह आपको मालूम है कि एक गणेश जी की होती है, एक कार्तिकेय जी की होती है। तो ये हम यहाँ पे गणेश जी को बिठा सकते हैं, ओके। ये हमने यहाँ पे कार्तिकेय जी को बिठा दिया, ठीक है। ये शिवलिंग हो गया, ये जलेरी हो गई, माता पार्वती जी के हाथ हो गए, ये गणेश जी है और ये भगवान कार्तिकेय है, ठीक है। और ये बीच में जो है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, उसको कहते हैं। अब मैं नाग देवता को बनाता हूँ, ठीक है। नाग देवता कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। एक तरफ से इसको पतला रहने दीजिए और एक तरफ से मोटा रहने दीजिए। अब इसको ऐसे, ये और स्टेप्स, यहाँ पे हम इनका जो फन होता है वो फन बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप देखिए, इस तरह से आप नाग देवता बना सकते हो, ओके। हमने नाग देवता बना दिया है। अब हमको क्या है, यहाँ पे भगवान का जो त्रिपुंड लगता है, उस त्रिपुंड के लिए हम तीन डंडियाँ बनाएंगे लेके, और इस प्रकार से आप त्रिपुंड बनाने के लिए बना रहा हूँ मैं। एक ये हो गया, ये देखिए, ये मैंने तीन इस प्रकार से बना लिया है। अब यहाँ पे मैं त्रिपुंड लगाऊंगा भगवान जी को। तो देखिए कैसे लगाते हैं, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से आप त्रिपुंड बना सकते हो। मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि अगर आपको चिकना बनाना है तो आप पानी का इस्तेमाल करके और इसको, इस पूरे जो एरिया है उसको आप चिकना कर सकते हो, और जितना ज़्यादा सुंदर बनाओगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, उतना ही ज़्यादा सुंदर ये बन जाएगा।
तो जैसे कि आपने अभी देखा, ये मैंने शिवलिंग पूरा बना दिया है, ये पार्थिव शिवलिंग है और मैंने अभी इसको काली मिट्टी से बनाया है। आपने सुना होगा कि पंडित जी ने चार तरह की मिट्टी का बोला है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो सफ़ेद मिट्टी से बनाएंगे, जो वैश्य लोग हैं वो येलो मिट्टी से यानी पीली मिट्टी से बनाएंगे, जो क्षत्रिय लोग हैं वो लाल मिट्टी से बनाएंगे और जो शूद्र लोग हैं वो काली मिट्टी से बनाएंगे। मेरे पास अभी काली मिट्टी ही थी तो मैंने काली मिट्टी से बना दिया है। आपको अगर उपलब्ध हो जाए, ये जो मैंने जिस तरह की मिट्टी बताई वो मिट्टी अगर उपलब्ध हो जाए तो आप उससे बना सकते हो या आप काली मिट्टी से भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण, जैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन मैंने काली मिट्टी से बनाया है, तो आप अगर ब्राह्मण भी हो या क्षत्रिय कोई भी हो तो आप काली मिट्टी से बना सकते हो अगर आपके पास वो मिट्टी उपलब्ध नहीं हो जो पंडित जी ने बोला है। और ज़्यादा कुछ करना है तो जैसे मान लो जब आप इस मिट्टी को गूंदेंगे उस समय आप सफ़ेद कलर पटक देना या खड़ी का जो कलर होता है वो पटक देना तो सफ़ेद हो जाएगा। आप चाहे तो उसमें हल्दी पटक देना तो वो पीला हो जाएगा। आप ऐसे लाल कलर का कोई चीज़ उसमें पटक देना ताकि वो लाल हो जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और नहीं कुछ भी नहीं करना तो आप कोई से भी मिट्टी ले आइए और उससे अपना शिवलिंग जो है वो बना लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे जो ये शिवलिंग बनाए हैं वो आपको पसंद आया होगा। आप भी इसको देखते हुए अपने घर में अच्छा सा शिवलिंग जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।